यकीन ही नहीं आता कि मेरा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। खालिद को भी यकीन नहीं आता, चुपके चुपके रोते रहते। अभी देखो महीने भर का राशन लेकर आ गए खालिद समन भाभी और गुड़िया के लिए। गुड़िया को बहुत तेज बुखार है, मुझे उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है। इस वक्त इसको बुखार को कोई शरबत पिला दे, घर में कुछ तो होगा। मेरे पास जितनी भी दवाइयाँ थी मैंने सारी दे दी, ठंडे पानी की पट्टियाँ भी रखी है, लेकिन उसका बुखार नहीं उतर रहा, वो बेहोश हो गई है। अच्छा सुनो, ये फ्रूट जो है ना, ये जाओ जाकर वो सम्मन को दे आओ, और बाकी का संभाल कर रखना। कोई जरूरत नहीं उनको खुला खिलाने की, आदत मत बिगाड़े। समन भाभी को तो अपना गम बनाने से फुर्सत नहीं है, हर वक्त कमरे में बंद पड़ी रहती है। वो गुड़िया के लिए कपड़े लेने थे, पिछले साल के कपड़े से छोटे हो गए हैं, वो आते नहीं है उसे। तो यूं कहे ना कि आपको कपड़े लेने। भाभी मेरे होते हुए आप अकेले बाजारों में फिरेंगी, मैं खुद आपके लिए और गुड़िया के लिए कपड़े ले आऊंगा। ये क्या है? क्या फ्री में बट रहा था जो इतना उठा लाए? अरे कपड़े हैं यार, वो कल सम्मन ने तुम्हारे सामने ही तो बोला था। तो इतने ज्यादा लाने की क्या जरूरत थी? ज्यादा सर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है उन्हें। अरे भाई ये देख लो, खुद देख लो तुम, ये लंडे के हैं। अब इसको धुलवा के पैक पैक करवा के दे देना सम्मन, और बता देना कि ब्रांडेड है, वो छोटी मोटी दुकान के नहीं है। नखरे तो देखो जरा, मियां सर पे है नहीं और ब्रांडेड कपड़े पहनेंगी। अरे छोड़ो यार, हमारे कौन से ज्यादा पैसे लगे हैं। वो मैंने दुकानदार को बोला कि बेवा औरत है, उसकी यतीम बच्ची है, तो उस बेचारे ने भी खुदा तरसी दिखाई और मजीद पैसे कम कर दिए। ये आपने बड़ी अकलमंदी का काम किया। ठीक है, धुलवा दूंगी। अच्छा, और वो कपड़े धुलवा के पैक वैक करवा के याद से सनोवर बाजी को दिखा भी देना और बता भी देना कि वो जो पैसे भेजती हैं वो हम सम्मन पे और गुड़िया पर ही लगा देते हैं, याद से। ठीक है, सनोवर को तो मैं यूं उल्लू बना रही थी। अच्छा यार, सर में बहुत दर्द हो रहा है, कप चाय पिलवा दो प्लीज अच्छी सी। अभी लेकर आती। तौबा, इतना सब लाने की क्या जरूरत थी राहत? वैसे ये बहुत खूबसूरत है, गुड़िया बहुत खुश हो जाएगी, और ये उसकी पसंद का कलर है, उस पे बहुत सजेगा। सजेगा कैसे नहीं, खालिद ने प्यार से अपनी गुड़िया के लिए जो लाए हैं। मैं सोच रही हूँ इसे रख दूँ, कहीं आने जाने में पहन लेगी। अरे क्या कह रही है, ये खालिद आप लोग के घर में पहनने उड़ने के लिए लेकर आए, अगर उन्होंने सुन लिया तो बहुत बुरा मान जाएंगे। राहत ये शॉल तो बहुत महंगी लग रही है, एक काम करो इसे तुम रख लो। आप भी ना हद करती हैं, लगता है मुझे खाले से डांट पड़वा के ही रहेंगी आप, और महंगी है तो क्या हुआ, आप खाले की जिम्मेदारी है। तुम्हारी बहुत मेहरबानी, तुम मेरा और मेरी बच्ची का इतना ख्याल रख रही हो। मम्मा क्या पका रहे हो, मुझे बहुत भूख लग रही है। अभी तो कुछ नहीं बनाया गुड़िया। मम्मा
मुझे बहुत भूख लग रही, प्लीज कुछ खाने को दे देना। कहानी सुनोगी? शहजादी वाली। शहजादी वाली। इसके बाद मैं आपके लिए खाना बनाऊंगी, ठीक है? एक बादशाह था, उसकी एक बीवी और इसकी एक बहुत प्यारी सी बेटी थी, बिल्कुल मेरी गुड़िया जैसी। वो बादशाह अपनी बेटी की सारी बातें पूरी करता था, जो मांगती थी उसे फौरन ला के देता। एक दिन उसकी बेटी ने ऐसा पता नहीं क्या मांग लिया कि वो बादशाह उसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए कहीं दूर चला गया। इतनी दूर कि फिर लौट कर वापस नहीं आया। शायद वो रास्ता भूल गया। लेकिन अब राहत, वो खालिद भाई से बात करनी थी मुझे। अरे जो बात कहनी है मुझे बता दे, मैं कह दूंगी। दरअसल घर में सारा सामान खत्म हो गया है। मैंने और गुड़िया ने कल से कुछ भी नहीं खाया। आटा तक नहीं है हमारे पास। अरे ये क्या कह रही हैं आप कि आटा भी नहीं है? अभी तो खाले ने थैले भर भर कर लाकर दिया था, वो कहाँ है सब? राहत, वो तो 2 महीने से भी ज्यादा पुरानी बात है। अरे तो देख के इस्तेमाल करना था ना सब कुछ। इस महंगाई में खालिद किस तरह सब कुछ पूरा करते हैं पता भी है आपको? तो बहुत एहतियात करती हूँ, कभी भी कोई चीज आया नहीं करती। यहाँ तक कि रोटी का टुकड़ा भी बच जाता है ना, मैं वो भी उठा के खा लेती हूँ, जाया नहीं करती रिस्क को। तो कोई एहसान नहीं करती है। मुझे देखे, खालिद जो मुझे लाके देते हैं मैं उसी में सब कुछ पूरा करती हूँ। कुछ तो दे दो गुड़िया के लिए, वो भूखी है, उसने कुछ नहीं खाया। मैं सच कह रही हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए। ये ले। और अब इसे हिसाब किताब से इस्तेमाल कीजिएगा। खालिद दरख्तों से नोट तोड़ कर नहीं लाते, वैसे भी फैक्ट्री नुकसान में चल रही है। ठीक है।
अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई। वालेकुम सलाम। वो मुझे आपसे जरूरी बात करनी थी। फिर यही कह रहे हैं आयोगी कि खाने पीने का सारा सामान खत्म हो गया। तो फिर क्या मसला? गुड़िया को स्कूल वालों ने घर भेज दिया, 4 महीने से उसकी फीस जमा नहीं हुई। तो फिर मैं क्या करूं? उसकी फीस जमा करवाएं। पैसे होंगे तो भर दूंगा। अभी इस वक्त मेरे हालात बहुत तंग है, फैक्ट्री भी नहीं चल रही है। लेकिन आपने पूरे खानदान वालों के सामने हमारी जिम्मेदारी ली है। पहले तो इस फैक्ट्री से 2 घर चलते थे, और रही बात पैसे ना होने की, मुझे भी दिखाई देता है। राहत रोज शॉपिंग के लिए जाती है, और मैं तो अपनी जरूरियात के लिए मांग रही हूँ आपसे। मेरी खरीदारी पे बड़ी नजर है आपकी, तो थोड़ी मेहनत कर ले। हजारों औरतें काम करती हैं। काम मिलेगा तो जरूर करूंगी। मेरी काम वाली चली गई है, तो आप उसकी जगह काम कर ले। मेरा भी काम चल जाएगा और आपका भी काम बन जाएगा। और ये आपका अपना घर है, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। जो पैसे हम उसको देते थे वो अब आपको दे देंगे। ठीक कह रही है राहत। खालिद भाई, साइम का फैक्ट्री में जो भी हिस्सा बनता है आप मुझे दे दीजिए, ताकि मैं आप दोनों के सामने बार बार अपने हाथ ना फैलाऊं। क्या कहा तुम? फैक्ट्री में हिस्सा? हिस्सा चाहिए तुम्हें? कुछ नहीं है मेरे पास, वही जो इज्जत से खाने पीने को मिल रहा है ना, उस पर शुक्र अदा करो। और खबरदार खबरदार आइंदा जो मुझसे हिस्से की बात की। समझ में आई मेरी बात? हिस्सा चाहिए। अब खालिद भी क्या करे, परेशान है बहुत। आपका हिस्सा है, बिल्कुल है, लेकिन अभी काम जरा मंदा चल रहा है। मैं आप लोगों के यहाँ काम करने के लिए तैयार, बस मेरी गुड़िया की फीस भरते हैं। समान, समान। अस्सलाम वालेकुम बेटा। ऐसी मेरी गुड़िया? मैं ठीक हूँ। मामा कहाँ है? आंटी, मामा तो काम पर गई हैं। काम पर गई हैं? लेकिन कहाँ? चाची के घर पर। वो हमें खाना देते हैं ना, तो मम्मा सारा दिन उनके यहाँ काम करती हैं। लेकिन उनकी मुलाजमा कहाँ है? चाचा चाची ने मुलाजमा को हटाकर उनकी जगह मामा को काम पर रख लिया। मेरी गुड़िया स्कूल नहीं गई? मामा के पास फीस के पैसे ही नहीं है। क्या चाचू ने आपकी फीस नहीं दी? चलो मेरे साथ। अच्छा, इस दफा मुझे दिला रहे हैं ना आप सोने के कंगन? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, इस बार कंपनी को बहुत फायदा हुआ है, जरूर दिलाऊंगा।
खालिद भाई, आपने गुड़िया की फीस जमा नहीं करवाई? मैंने कहा ना कि इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं है, होंगे तो मैं तुम्हें खुद दे दूंगा। गुड़िया को स्कूल से निकाल दिया है, मेरी बच्ची की उदास आंखें मुझसे सवाल करती है, मैं क्या जवाब दूं? तो तुम दोनों माँ बेटी ना, कसम से जान को आ गए हो। एक बात समझ में नहीं आती तुम्हें, पैसे दरख्तों से नहीं तोड़ता मैं। इस साल कंपनी को बहुत नुकसान हुआ है और तुम्हें और गुड़िया को देख कौन रहा है? मैं ही तो देख रहा हूं, मैं ही तो तुम दोनों का ख्याल कर रहा हूं। कंपनी नुकसान में जा रही है, कहीं से कोई बचत नहीं हो रही है, हालात इस वक्त मेरे ठीक नहीं है। अरे बाजी, आप कब आई बाजी? आपने अपने आने का किसी को कुछ बताया ही नहीं। आप मुझे बताती तो मैं अपनी बाजी को सीधा एयरपोर्ट से। बता कर आती तो तुम्हारा असली चेहरा कैसे देखते? मैंने तो सरप्राइज देने के चक्कर में किसी को कुछ बताया नहीं और तुमने मुझे ही सरप्राइज दे दिया। अरे मेरे सामने तो तुम समन और उसकी बच्ची के लिए नजाते दहिंदा बने हुए थे, लेकिन आज पता चला कि वो सब दिखावा था। बाजी, जो आपने सुना मेरा मतलब वो नहीं था। मैंने गुड़िया और भाभी खामोश हो जाओ खालिद। तुम्हारे चेहरे से रहम दिली और खुदा तरसी का झूठा नकाब उतर चुका है। तुम एक इंतहाई बेरहम इंसान। मुझे क्या खबर थी कि तुम ऐसा करोगे? मैं आंखें बंद करके तुम पे भरोसा करके हर महीने मां बच्ची के पैसे भिजवाती रही और तुमने तो हद ही कर दी खालिद। सॉरी सब, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं, लेकिन अब तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारा हक दिलवाए बगैर यहां से कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं जानती हूं कि फैक्ट्री की मालकियत साइन की थी। खाली तो सिर्फ एक वर्कर था। लेकिन सबसे पहले हमारी गुड़िया स्कूल जाएगी। और हाँ खालिद, तुम कोई और काम ढूंढ लो। क्योंकि मैं फैक्ट्री बेचकर पैसा अपने किसी जानने वाले के बिजनेस में लगाऊंगी, जहां हर महीने मां बेटी को घर में बैठे इज्जत से पैसे मिलते रहेंगे। मदद करते हुए ऐलान तो ना कीजिए, इज्जत मजबूर को कुर्बान।